कलेक्शन है तो कलेक्शन फ्रेमवर्क से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है पूछा जाता ही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लियर सो so, हम लोग पहले थियोटिकल डिस्कस करेंगे देन प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे ठीक है मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कलेक्शन फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट ट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को मैन्युपुलेट करने के लिए मतलब इनसर्ट अपडेट डिलीट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क और कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे क्लासेस होते हैं इंटरफेसेस होते हैं रेडीमेड मेथड होते हैं ठीक है ना क्लियर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ कंटेंट इन जावा डॉट यू टील

टेन वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो ट्वेंटी भी क्रिएट कर सकते हो ठीक है अगर जहां हंड्रेड हो जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हंड्रेड वेरिएबल क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है है ना तो इस चीज को ओवरकम किया कि अगर आप सेम टाइप की वैल्यू बार बार वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो बार बार वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो इस चीज को ओवरकम कर सकते हो एरे की एरे की कॉन्सेप्ट को यूज करके एरे क्या कहता है आप सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हो स्टोर कर सकते हो सेम टाइप का क्लियर पॉइंट डन अब एरे में भी आपका प्रॉब्लम ये आता था कि आप एरे के अंदर एक ही टाइप की वैल्यू रख सकते हो या तो इंटीजर या तो फ्लोट या तो डबल दोनों टाइप जैसे डबल इंट दोनों आ, आ, सेम टाइम पे नहीं रख सकते थे है ना दूसरा पॉइंट इसमें क्या प्रॉब्लम आता था एरे के अंदर आप अगर जहां एरे यूज करना है तो एरे के साइज फिक्स करना पड़ता था है ना तो इसके तीसरा पॉइंट ये था कि इसके अंदर कोई रेडीमेड मेथड नहीं था जैसे डेटा सॉर्टिंग का सर्चिंग का कोई रेडीमेड मेथड नहीं था हमें एक्सप्लीसिटली उसका लॉजिक लिखना पड़ता था तो ये जो एरे के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी इसको ओवरकम किया कलेक्शन फ्रेमवर्क में कलेक्शन फ्रेमवर्क में कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एरे के अंदर एरे आर फिक्स इन साइज था बट कलेक्शन क्या है ग्रो एबल इन नेचर मतलब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन वी कैन इंक्रीज डिक्रीज द द साइज ऑफ एरे तो इसके आप घटा सकते सकते हो सकते हो बढ़ा दशन के अंदर ठीक है दूसरा पॉइंट था कि आप होमोजीनियस डेटा सिर्फ एरे के अंदर रख सकते हो आप कलेक्शंस के अंदर दोनों टाइप देखो कलेक्शंस फ्रेमवर्क के अंदर दोनों देखो होमोजीनियस एंड हैट्रोजीनियस बोथ डेटा आप स्टोर कर सकते हो तीसरा पॉइंट एरे के अंदर आ रहा था क्या आ रहा है था. क्या था कि एरे के अंदर कोई रेडीमेट मेथड नहीं था ठीक है ना सॉर्टिंग सर्चिंग का बट आपका कलेक्शन के अंदर स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स है जैसे कि रेडीमेड मेथड सपोर्ट करता है ठीक है ना प्रीडिफाइंड क्लासेस है आई होप क्लियर है इंटरफेसेस है ठीक है ना तो ये चीजें जो एरे के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था इसको ओवरकम किया कलेक्शन फ्रेमवर्क ठीक है डन आई होप क्लियर है अब नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पे तो कलेक्शन होता है क्या है जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी देन वी शुड गो फॉर द कलेक्शन फ्रेमवर्क ये कलेक्शन देखो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है इसको एक सिंगल एंटिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है कलेक्शन कॉन्सेप्ट ठीक है अब कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है इसके अंदर देखो बहुत सारे क्लासेस इंटरफेसेस बेसिकली होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ठीक है ना कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आई होप क्लियर ठीक है ना चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखो हम सीखने क्या वाले हैं इस चैप्टर में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है देखो लिस्ट सबसे पहले ये ये जो आपका आपका सबसे देखो यहाँ पे है रूट इंटरफेस होता है बोल सकते हो ये सबका ना बॉस होता है ठीक है ना उसके बाद कलेक्शन इंटरफेस कलेक्शन इंटरफेस के अंदर आपका चाइल्ड इंटरफेस कहलाता है लिस्ट लिस्ट के अंदर ये आपका क्लास होता है एरे लिस्ट लिंक लिस्ट वैक्टर स्टैक वीडियोस प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे ठीक है पहले समझ लो फिर आगे आपका क्यू फेरे क्यू डी डी क्यू ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आ, ये जो क्यू है, आपका क्या है इंटरफेस है ठीक है फिर सेट के सेट आ गया सेट इंटरफेस सेट इंटरफेस कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस कहलाता है ये तीनों आपका लिस्ट क्यू और सेट ये चाइल्ड इंटरफेस है किसका कलेक्शन इंटरफेस का ठीक है अब इसके अंदर आता है हैसेट हैसेट आपका सेट के अंदर ये हैसेट क्लास है लिंक हैसेट देन सॉर्टेड सेट के अंदर आपका आता है ट्री सेट ठीक है ये सारा की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सारा हम की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन प्रैक्टिकल ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है ठीक है ना तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ठीक है अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी वीडियोज लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने क्लियर है यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है देखो इंटरफेसेस जो क्या क्या होता है जैसे कलेक्शन हो गया लिस्ट हो गया सेट हो गया सॉर्टेड सेट हो गया नेविगेबल सेट हो गया क्यू हो गया मैप हो गया सॉर्टेड मैप हो गया नेविगेबल मैप हो गया ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल अपकमिंग वीडियोस में अब देखो लिस्ट जो है चाइल्ड इंटरफेस कहलाता है कलेक्शन का और लिस्ट के अंदर आपका फोर टाइप होता है एरे लिस्ट लिस्ट टैग इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले फिर का सेट का भी है उसी तरह शॉर्टेज सेट का भी है ठीक है पार्ट प्रैक्टिकल इन द अपकमिंग क्लियर है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है ठीक है ना कलेक्शन क्या होता है क्यों इसका बेसिकली नीड पड़ा इसका जरूरत क्यों पड़ा वी आईव ऑलरेडी डिस्कस कि इसके अंदर सारे प्रीडिफाइंड रेडीमेड मैथड्स होते हैं क्लासेस प्रीडिफाइन है इंटरफेसेस है ठीक है थीके? जो एक ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली मैन्युपलेट uh, करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है ना सारी चीजें रेडीमेड है तो मतलब कोडिंग लिखना नहीं पड़ेगा ठीक है और जो एरे के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी उसको उसको आप इसके अंदर ओवरकम कर सकते हो मतलब उसी चीज को ओवरकम किया है क्लियर है पॉइंट आई होप क्लियर है तो आप लोग इसको नोट कर लो नोट करके पहले इसको थोड़ा सा uh, समझो ठीक है ना देन अपकमिंग वीडियोस में हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं वन बाय वन क्लियर तो आज हमने डिस्कस किया कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है ठीक है ना देन कलेक्शन क्या होता है ठीक है इंटरफेसेस हम ये सारी चीजें डिस्कस किया ठीक है वन बाय वन हम प्रैक्टिकल अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्लियर अइंट दे चलो इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल क्या करोगे प्रैक्टिकल तो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे इसको नोट करके आप लोग थोड़ा इसको समझो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो यार थैंक यू बाय